भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने कुरुक्षेत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए पार्टी संगठन की अल्पकालीन विस्तारक योजना ट्रेनिंग कैंप में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि भारत की ताकत और मजबूती दुनिया देख रही है। उन्होंने कहा, इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक था, आज भारत तरक्की एकता का प्रतीक है। वहीं उन्होंने G20 समिट में भारत नाम लिखने पर खुशी जताई। जैसा कि हमने एक योजना प्रारंभ की है अल्पकालीन विस्तारक की हरियाणा में, इससे पहले प्रधानमंत्री जी ने देश भर से कुछ अल्पकालीन विस्तारक निकले ऐसा एक अभियान हुआ था, जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी भोपाल में हमारे प्रदेश से भी कुछ विस्तारक उसमें गए थे। उसी से प्रेरित होकर फिर हमारे विधायकों को भी जो है जाने की ड्यूटी लगी। हमारे 25 विधायक भी जो है वो राजस्थान एक सप्ताह लगाकर आए। उससे से प्रेरित होकर हमने हरियाणा में भी हम हर लोकसभा में ऐसे विस्तारक निकाले और उनको 2 दिन का प्रशिक्षण देके, और बाद में वो एक तरह से 5.5 दिन, 1.5 दिन का प्रशिक्षण है, 5.5 दिन एक एक सक्रिय केंद्र पर रहे। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमारी 3 लोकसभा के विस्तारकों की ट्रेनिंग हो रही है। सुबह मैं गुड़गांव में था, वहाँ का विस्तारकों की ट्रेनिंग का उद्घाटन करके वहाँ से चला हूँ। अभी चाय पर मैं कुरुक्षेत्र में हूँ और शाम के भोजन से पूर्व का जो सत्र है वो मेरा अंबाला लोकसभा का पंचकूला में। हमारे सभी वरिष्ठ जन आप देख रहे हैं, हमारे सांसद जी, नायब जी, हमारी मंत्री कमलेश ढांडा जी, हमारे संगठन मंत्री फणिंदर दा जी बंगाल से हैं तो दा वहाँ की आदत है, हमारे बेदी जी, हमारे कर्णदेव कंबोज जी, हमारे जो है मिर्जापुर जी, पवन सैनी जी, सुभाष सदा जी, सब इस अभियान में पूरी तरह से पूरी टीम सभी जगह जिला प्रभारी जिला अध्यक्ष सब जुटे हुए हैं। और एक इस काम को मैं ऐसे व्याख्यायित कर सकता हूँ, पन्ना प्रमुख हमने पहले बनाए तो कार्यकर्ताओं को दायित्व तो दिया, ये फील्ड में पहुँच के पन्ना प्रमुखों को गति देंगे, उन सबसे मिलेंगे, उनको और तेज़ी के साथ वो काम करें इसके लिए प्रेरित करेंगे, ये लाभार्थियों को संपर्क करेंगे, ये कार्यकर्ताओं को संपर्क करेंगे, वहाँ की सोशियो पॉलिटिकल स्टडी भी करके आएंगे। और ये 5.5 दिन एक तरह से इनका समय फील्ड में है, 1.5 दिन ट्रेनिंग में है, ऐसे 7 दिन इनके समय का दान हमको मिला है। और मैं कहूँगा कि पहली बार इतने बड़े व्याप पर हम विस्तारक भेजते रहे हैं, विधानसभा लेवल पर, जिला लेवल पर, थोड़े लंबे समय के लिए भेजते रहे हैं, लेकिन पहली बार इतने बड़े व्याप पर हमने ये प्रयोग किया है। और इसकी सफलता जो है वो संगठन को एक नई गति देगी। आज भारत के लिए बहुत ही गौरव का दिन है, हर भारतीय गौरवान्वित है। सुबह से G20 की बैठक चल रही है भारत में पूरे में, ये भी है कि आज इंडिया की बजाय भारत के प्रधानमंत्री के सामने भारत की प्लेट लगी है। जितने भी चैनल वहाँ से कवर कर रहे हैं, सब भारतीयता का कैसे परचम वहाँ दिखाई दे रहा है, हर चीज़ में भारतीयता झलक रही है, उसका भी आनंद सबको है। भारत की अध्यक्षता का भी आनंद है, वो सुबह वीडियो जब आया हथौड़ा ठोकते हुए जब प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया, मैं दक्षिण अफ्रीका की जो संगठन है उसके मुखिया को G20 का सदस्य घोषित करता हूँ और उनको कुर्सी पर बैठने के लिए आमंत्रित करता हूँ, तो हम सबको बात की एक बहुत भावुक करने वाली फ़ोटो भी आई है उनके साथ, इमोशनल फोटो प्रधानमंत्री जी की। और ऐसी खबरें हैं कि जो एक पृथ्वी एक परिवार भारत का एजेंडा है, भारत ने इसको कहा सर उसे ही, हमारे लोगों पे ही वही आया कि भविष्य भी एक है और पूरी पृथ्वी एक परिवार है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, उस पर जो है बहुत ही सार्थक चर्चाएं होकर जो रिपोर्ट आ रही है, जो हमारे अमिताभ कांत शेरपा जी की तरफ से सबकी सहमति इस प्रकार से जा रही है कि भारतीय विचार के साथ, और मैं कहूँगा कि इसमें ग्लोबल साउथ को जो महत्व मिला है
उससे भी सब लोग बहुत आनंदित महसूस कर रहे हैं। तो ये गौरव के पल हैं, पूरा देश इस पर गौरवान्वित है। देखिए, हमारा बहुत समय ऐसा गया था कि जब हम बहुत चीज़ों को हमने शताब्दियों तक इसलिए याद रखा कि वो हमारा गौरव बढ़ाती थी। विवेकानंद जी का भाषण कभी अमेरिका में हुआ, हम अब तक उसका उल्लेख इसलिए करते हैं अपने गौरव के। कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिले और उस घटना की हम रागनियां गाते हैं, तो यही तो हमारे लिए इतने बड़े गौरव के पल हैं इस समय कि इसी समय चंद्रयान की लैंडिंग साउथ पोल पर, जो भारत पहला देश किसी देश की नहीं हुई, इसी समय आदित्य अलवन का जाना और इसी समय G20 की अध्यक्षता, हर भारतीय पूरी तरह से इस बात से गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि ये पल मोदी जी के नेतृत्व में और भारत जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने 16 वर्षों तक विद्यार्थी परिषद का काम किया। सबसे पहली बात जो हमको बताई गई थी कि जब संविधान बन रहा था तो ABVP का पहला आंदोलन भारतीयकरण को लेकर था और उनका पहला ऐतराज इस पर था कि जो संविधान में लिखा जा रहा था इंडिया दैट इज भारत, और अब भारत दैट इज भारत, इस रास्ते पर जो भारत बढ़ रहा है, चाहे महामहिम राष्ट्रपति की तरफ से कोई इन्विटेशन आ रहा है, ये प्रधानमंत्री जी के सामने नेम प्लेट लगी है, इस बात से भी सब भारतीय आनंदित हैं। क्योंकि जब भी कोई कॉलोनी बनाते थे, कोई किसी देश पर शासन करते थे, सबसे पहले नाम बदलते थे और नाम बदलने का उनकी जीत का भाव, और जिनका बदला गया उनमें पराजय का भाव आता था। चेन्नई मद्रास हो गया था, तिरुवनंतपुरम जो है वो त्रिवेंद्रम हो गया था, कोलकाता कलकत्ता हो गया था, भारत के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन अब जब नाम फिर से अपने पुराने उस सार्थकता के साथ आ रहे हैं, मीनिंग के साथ आ रहे हैं, विरासत के साथ आ रहे हैं, इसका भी सबको आनंद है। और मैं तो उस आंदोलन का, जो देशव्यापी आंदोलन रहा, हालांकि मैं उसकी बाद की पीढ़ी का हूँ, मैं इमरजेंसी के बाद कार्यकर्ता बना, लेकिन जो इतिहास मैंने पढ़ा था कि पहली लड़ाई भारतीयकरण को लेकर विद्यार्थी सबने लड़ी थी, तो आज वो होता हुआ देख रहे हैं। यानी आप अपने शरीर से, इसे मराठी में एक शब्द है याची देही याची डोला, इन्हीं आँखों से इन्हीं शरीर से होते हुए देखना जिसके लिए कोई लोग लड़े और आप उसके होते हुए देख रहे हो, राम मंदिर के लोग लड़े आप बनते हुए देख रहे हो, 370 के लिए आंदोलन हुए आप उसको टूटते हुए देख रहे हो, इस बात का बहुत गौरव होता है। इसी इन्हीं आँखों से इन्हीं शरीर से हम उसको होते हुए देख रहे हैं, बहुत आनंद की बात है, बहुत गौरव की बात। इसको लेकर इंडिया गठबंधन ऑब्जेक्शन क्यों कर रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है ऐसे कि उनकी सोच तो देखिए, जिस बैकग्राउंड के साथ कांग्रेस ने काम किया, कांग्रेस की बैकग्राउंड इस तरह की थी कि ये नाम लाने में कांग्रेस का ही रोल था, विभाजन भी कांग्रेस ने स्वीकार किया, और कांग्रेस ने तो यहाँ तक भी कहा कि भारत राष्ट्र बन रहा है, नेहरू जी का स्टेटमेंट है, हम एक प्राचीन राष्ट्र हैं या उस समय बन रहे थे, ये सवाल है। हम ये मानते हैं भारत एक प्राचीन राष्ट्र है, हजारों हजार साल से भारत है, लेकिन नेहरू जी का स्टेटमेंट है कि भारत राष्ट्र वी आर नेशन इन द मेकिंग। नेहरू जी का ये भी स्टेटमेंट है आई एम हिंदू बाई एक्सीडेंट। तो उनके जो सोचने का प्रकार था नेहरू जी का, वो प्रकार के कारण से देश में कुछ चीज़ें ऐसी घटित हुई या कांग्रेस के सोच के कारण इस प्रकार की घटित हुई, जिससे जो भारतीयता भारतीयकरण भारतीय कल्चर इस प्रकार का जो होना चाहिए था। उस समय की भी एक घटना अभी ध्यान में आई आपको, जब नई संसद बन रही थी तो उस समय वो दक्षिण भारत से वो लेकर आए और उस समय भी आई थी, लेकिन उस समय उपयोग नहीं हुआ। और अब हुआ क्योंकि नेहरू जी के चिंतन में कहीं ना कहीं नया देश नया भाव ये ज्यादा था, लेकिन इस देश का मानस ये था कि हम प्राचीन राष्ट्र हैं, हम प्राचीन नींव पर खड़े होंगे, हमारा पुनर्निर्माण तो हो सकता है, हम नए राष्ट्र नहीं हैं, हम एक अति प्राचीन देश है, हमारी हमको गर्व है अपनी कल्चर पर, 10,000 साल पहले से हमारे ऋषि मुनियों ने, हमें गर्व है हमारे गीता पर, हमारे महाभारत पर, हमें अपने वेदों पर, अपनी विरासत पर, और उस विरासत से कनेक्ट होना है तो भारत चाहिए।
तो क्या अब सभी जगह से जो इंडिया शब्द उसको हटाया जाएगा? जी, सरकार के निर्णय होंगे, जहाँ आ रहा है मैं उसका आनंद अभिव्यक्त कर रहा हूँ, वो तो सरकार के निर्णय होंगे। सरकार जब ये जो आपातकालिक योजना है, इससे भाजपा को एक नई शक्ति का संचार होगा, इसके लागू होने से जो शुरू कर रहे हैं अल्पकालिक विस्तार की योजना, तो भाजपा में एक नई जान फूंकने का काम करेगी। देखिए, कार्यकर्ता जब समय देता है तो समय का दान सबसे बड़ा होता है, और समय देकर ही हम पार्टी के संगठन को यहाँ तक लाए हैं। सबने अपने 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 समय का दान किया है, उस समय के दान से ही परिवर्तन सब आए हैं। तो समय का दान बहुत महत्वपूर्ण दान है। इतने सारे कार्यकर्ता समय का दान करेंगे तो जहाँ भी जाएंगे, काम करेंगे, तो काम बढ़ेगा उसके काम से। राहुल गांधी ने विदेश में एक आरोप लगाया है आपकी पार्टी पे कि उनकी पार्टी के जो प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, वो दलित हैं, और इसलिए उनको रात्रि भोज पर नहीं बुलाया गया। किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं बुलाया, अगर आपको जानकारी है तो। मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं बुलाया, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को वहाँ निमंत्रित नहीं किया गया है, सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको निमंत्रित किया गया है। इसलिए इस तरह की भाषा कहना या इस तरह का ये अच्छी बात नहीं है। कौन आमंत्रित कर रहा है? जो आमंत्रण करता है उस पर किसके दस्तक हैं? महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। हाँ, तो महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर है उस पर, वो आमंत्रित कर रहे हैं, उनके यहाँ रात्रि भोज है। और इस तरह का भेदभाव के शब्दों की व्याख्या आप कैसे कर सकते हो? जब मुझे कहना नहीं चाहिए राष्ट्रपति के बारे में, लेकिन जब हमारी राष्ट्रपति जनजातीय वर्ग से आती है, इस पर के बाद राहुल जी का ऐसा बयान है, तो मैं कहूँगा दुर्भाग्यपूर्ण। सर, जो आपकी ये आज बैठक हुई है हरियाणा प्रदेश में, गुरुग्राम में भी करके आए, कुरुक्षेत्र में भी, रात्रि में भी, क्या लगता है जो आपके युवा हैं ये 2024 के लिए सशक्त? ये नर्सरी है भविष्य की बीजेपी। गठबंधन में क्या रुख रहने वाला है? चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं जो हरियाणा में गठबंधन है, जो जब कुछ स्वरूप होगा तो बताएंगे। अभी गठबंधन अच्छा है, सरकार चल रही है, तो चुनाव में इकट्ठे जाने की बात होगी तो निर्णय होगा तब बताएंगे। गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मतदान के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है, बनाने की प्रक्रिया, सभी पार्टियां इंटरेस्ट ले रही हैं। श्रोमणी अकाली दल होगा, बीजेपी होगा, निशांत सिंह ने बोला, बीजेपी किस प्रकार से लड़ेगी? गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का चुनाव है बीजेपी का, तो मुझे लगता नहीं कोई पॉलिटिकल इसमें कोई मतलब हो, जो जीतेंगे उनको बधाई। प्रधान जी, अभी शिवराज सिंह जी चौहान ने पत्रकारों के पेंशन 10,000 से 20,000 करने की घोषणा करी है, बहुत सी डिमांडे मैं माननीय पत्रकारों, क्या आप भी हरियाणा गवर्नमेंट को सिफारिश करेंगे भी हरियाणा में भी इस प्रकार के पत्रकारों को फैसिलिटी दी जाए? निश्चित रूप से जो है, जो भी किसी भी वर्ग के कल्याण की बातें हैं, वो कल्याण की बातें सरकार तक पहुंचाना संगठन का धर्म है, वो हम पहुंचाएंगे। लेकिन सरकार अपने रिसोर्सिज और प्राथमिकताओं के हिसाब से निर्णय लेती है, वो सरकार का धर्म। सर, कांग्रेस में गुटबाजी लगातार सामने आ रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, मोहब्बत की दुकान में लात गुस्से का प्रसाद खूब बट रहा है, इसलिए जो मैं ये पहले से ही कह रहा था कि देखिए, भूपेंद्र हुड्डा और उनके पुत्र ने केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए ना तो अशोक तंवर जी को कोई बॉडी बनाने दी, ना शैलजा जी को कोई बॉडी बनाने दी, ना उदय भांजी की अब तक बनी है। सुरजेवाड़ा जी तो बेचारे इतने बाहर भेजे कि वो बोलने में ही अड़बड़ाने लग गए, कुरुक्षेत्र में ही जो है वो अड़बड़ा गए, जो है कि भाई यहाँ साप वाप देने लग गए, जैसे कि ऋषि मुनि पुराने महाभारत काल में, तो महाभारत काल में बाद में एक दिन भाषण में ही, तो ये जो इन्होंने सब नेताओं के साथ किया ना, पहले कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस के बड़े नेता थे, आज हमारे बड़े नेता हैं, राव इंद्रजीत जी कांग्रेस के बड़े नेता थे, अब हमारे बड़े नेता हैं, तो इन्होंने जैसे कांग्रेस को निपटा है ना, तो शेख सादी का एक शेर है, जिंदगी के रास्ते में जितने पत्थर मेरे सिर से टकराए, जब एक एक को पहचाना तो अपने फेंके हुए थे, तो इन्होंने जो जो फेंका था वो मुड़ के तो आएगा।